साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों पॉजिटिव होना आप लोग का बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, ठीक है? आज की जो रेमेडी है वो तो मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले कोई भी उपाय यदि करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो उसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह आज मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पॉजिटिव होना इसलिए जरूरी है कि आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका रीजन ये है कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कहता है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक भी आपको बता रहा हूं कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। इसका आप खुद से अंदाजा लगाइए, आपने देखा होगा, आप अपने आसपास देखिएगा इस बात को। मतलब आपको थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव होने के लिए आपको एक चीज करनी होगी, अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए आप जो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो सोचता क्या है कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है? जब आप ऐसा बोलते हैं तो ऐसी ही फ्रिक्वेंसी आपके दिमाग से, आपके माइंड से निकलती है, ठीक है? और ये कहा जाती है ब्रह्मांड में। तो आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको उसका वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा देखिए जो बहुत कम मेहनत कर रहा है लेकिन उसके पास में वो सब कुछ है जो चाहता है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम, उसके सोचने की क्षमता वो स्ट्रांग है, ठीक है? तो आप वो, क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो अपने आप को ऐसा सोचता है कि मैं उसके लायक हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत कितनी भी कर लें, लेकिन इसके साथ में आपका पॉजिटिव थॉट्स ये आपका निर्माण करता है। और एक एग्जांपल हमारे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं अपना स्वयं ब्रह्म हूं। भगवान ने इस दुनिया में इंसान को बनाया है लेकिन उसको खुद का ब्रह्म बना करके भेजा है कि इंसान अपना निर्माण खुद ही कर सकता है। इस दुनिया में भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इंसान की जिंदगी में भगवान का कोई रोल काल नहीं होता है। इंसान चाहे तो अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है अपने थॉट्स के द्वारा, और इंसान चाहे तो अपने सौभाग्य दुर्भाग्य को सौभाग्य में भी बदल सकता है सिर्फ सोच रखने से। दोस्तों आप ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, 41 डेज तक किसी एक थॉट्स पर आप फोकस करिए, ठीक है? किसी भी एक थॉट्स पर आप, सपोज देखिए, एकदम से बड़े लेवल पर मत जाइए। आप ये सोचिए कि मेरे को 500 रुपए, 41 डेज तक आप सोचिए कि 500 रुपए मुझे कहीं से कमा रहे हैं, ठीक है? डेली बोलिए 500 रुपए आज मेरे पास में आएगा, 500 रुपए आज मेरे पास में आएगा। इस थॉट्स को बना के रखिए 41 डेज तक। 41 डेज में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ भी होगा लेकिन 500 रुपीज आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। ये थॉट्स की पावर है आपकी, और जब ये आपके साथ में हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि थॉट्स में कितनी पावर होती है, पॉजिटिव होना कितना जरूरी है। तो दोस्तों इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं आपको कि हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इम्पॉसिबल है, ठीक है? अगर आप अपने आप को सोचते हैं मैं गरीब हूं, मैं कर्ज में दबा हूं, मैं बीमार हूं, तो आप ऐसी ही एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और ये चीज होती है आपकी जिंदगी में और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। लेकिन अगर आप बीमार है, आपके पास में कर्जा ज्यादा है, तब भी आप बोलिए, सोचिए, विजुलाइज करिए कि मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, मैं स्वस्थ हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं वेल्दी हूं। जब ये चीज आप सोचते हैं तो ऐसी ही एनर्जी प्रकृति आपके लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर देती है। दोस्तों मैं बहुत ही मतलब सही तरीके से आपको समझा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि मेरा हमेशा से उद्देश्य आप लोगों का ये रहता है कि आप लोग पॉजिटिव रहें। जब आप पॉजिटिव होते हैं तभी कोई रेमेडी वर्क करती है। आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होना चाहिए, है ना? और आज की जो रेमेडी दोस्तों बता रहा हूं, अगर आपके मनी चैलेंजेस चल रहे हैं तो ये एक बार आजमा करके देखिए बुधवार के दिन में। आज की जो रेमेडी है दोस्तों, एक तो मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एक टिप्स दे रहा हूं कि देखिए, किसी भी बुधवार, 5 बुधवार आप इस प्रयोग को करिए। आप जो सुपारी आती है, सुपारी 2 प्रकार की होती है, एक लंबी में और एक गोल साइज में, ठीक है? तो गोल साइज वाली जो सुपारी होती है उसको आपको क्या करना है, कच्चे सूत में लपेट करके 2 सुपारियां आपको लेनी है। कच्चे सूत में पूरा लपेट दीजिए कि सुपारी कहीं से दिखाई ना दे। इन दोनों सुपारियों में थोड़ा सा चंदन तिलक करके, ठीक है, और कोई सिक्के ले लीजिए, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के जो भी हो, और गणेश मंदिर चले जाइए। सिक्के रखिए, दोनों सुपारी उनके ऊपर रखिए और गणेश भगवान से प्रार्थना करिए कि आपकी ये जो भी मनोकामना है, आर्थिक कष्ट का सामना कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको कर्ज है, या फिर कोई मनोकामना आपकी पर्टिकुलर कोई विश है आपकी, तो वो आप गणेश भगवान से प्रार्थना करिए कि वो आपकी परेशानी दूर करें, ये मनोकामना आपकी पूर्ण करें।
आप 11 बुधवार इस प्रयोग को करिए, 5 या 6 बुधवार में आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। साथ में आप दुआ भी चढ़ा सकते हैं, 11-11 दुआ दोनों वहां पर रख दें उसमें, जो आपने सिक्के और सुपारी रखी हुई है, और कुछ भी मोदक वगैरह या फिर बेसन के लड्डू का गणेश भगवान को भोग लगा दें। आप देखेंगे दोस्तों कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता रहा हूं, यदि आप लोग खुद का घर चाहते हैं, अपना ड्रीम हाउस चाहते हैं कि आपके खुद के घर के योग बने, तो इसके लिए जब भी आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं, शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, माता रानी की पूजा कर रहे हैं, तो उनकी पूजा से पहले उनके गणों की पूजा करें। गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मूसक, ठीक है, चूहे की पूजा करनी है, क्योंकि मनोकामना की पूर्ति उनके गण ही करते हैं। आपके जो भी संदेश होते हैं सबसे पहले आपको गणों से, जो उनके गण होते हैं ना, उनसे बोलनी पड़ती है, जब तक वो, क्योंकि उनके द्वारपाल हैं, जब तक आप उनसे आज्ञा नहीं लेंगे तब तक भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। माता रानी की पूजा कर रहे हैं, सिंहराज की पहले पूजा कीजिए। महादेव की पूजा कर रहे हैं, नंदी महाराज की पहले पूजा करिए। जब उनके गणों की पहले पूजा करते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, ये सबसे पहले भगवान गणों तक पहुंचेगी, और फिर गण जो होते हैं ये भगवान तक पहुंचाते हैं। ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं दोस्तों, जिनको हम फॉलो नहीं करते हैं तो जिससे हमारे जो रेमेडीज होती हैं वो सक्सेस नहीं होती हैं। तो ये करना आप शुरू करिए, और आज की जो खास रेमेडी मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके सारे के सारे मनी चैलेंजेस को दूर करेगा, आर्थिक कष्टों को दूर करेगा, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। आप बुधवार के दिन में इस प्रयोग को करिए। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय पर कुछ खास रेमेडीज, एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं। यदि आप लोग भी इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी यहां से जानकारी प्रसारित करूं तो आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। और दोस्तों जो लोग भी मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी करना चाहते हैं, आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, तो बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं या मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या फिर उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या है, घरेलू समस्या है, ग्रह कलेश है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, कर्ज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं भी है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके नाम, आपके माता पिता के नाम पे एनर्जी वेस पर आपको आपकी समस्या का सटीक समाधान दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आंकड़े का जो फूल होता है, आपको 5 लेने हैं आंकड़े के फूल, ठीक है, साथ में आपको लेना है 5 दूर्वा, और साथ में आपको लेने हैं जो कनेर के पुष्प होते हैं, 5 आप कनेर के पुष्प ले लें, 5 आंकड़े के पुष्प, 5 दूर्वा, 5 कनेर के पुष्प और 5 विल्व पत्र, और इसके साथ में आपको लेने हैं जो गुलहड़ का जो पुष्प होता है, जिसे जासौन भी कहा जाता है, ये गणेश भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। बेलपत्र, आंकड़े, अगर सफेद आंकड़े का पुष्प मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है, और यदि नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, और सफेद आंकड़े का यदि आपको कहीं पे वृक्ष मिल जाता है तो इन सब चीजों के साथ में सफेद आंकड़े के पत्ते की आपको 11 पत्तों की माला भी बना लेनी है, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप 5 आंकड़े के पुष्प ले लेंगे, 5 आप दूर्वा ले लेंगे, 5 आप कनेर के पुष्प ले लेंगे, 5 गुलहड़ के और 5 बेलपत्र, ठीक है, इन सभी चीजों को लेकर के, और आपको गणेश मंदिर जाना है, 5 बुधवार आप उस प्रयोग को करना है, ठीक है, और इन सबको लेकर के गणेश भगवान को ओम गंग गणपते नमः ये मंत्र बोलते हुए आपको एक एक चीज, यानी कि एक पुष्प चढ़ाएंगे ओम गंग गणपते नमः, दूसरा पुष्प चढ़ाएंगे, ये सब जितनी भी सामग्री आपने लिए, एक एक दूबा, एक एक पुष्प और एक एक बेलपत्र, गणेश भगवान को ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको गणेश भगवान को अर्पित कर देना है। एक घी का दिया जलाना है, 5 अगरबत्ती जलानी है, ठीक है, और 1 लड्डू या मोदक का भोग लगा दीजिए, और गणेश भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके जितने भी कर्ज है, जितने भी आर्थिक संकट है, जो भी पैसों से रिलेटेड परेशानी है, सारी परेशानियां दूर करें, जिस कारण से, जिस दोष की वजह से, ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, या जो भी तंत्र मंत्र किया करा है, जिस वजह से भी आपकी जिंदगी में जो भी विघ्न आ रहे हैं, इन सारे विघ्नों को गणेश भगवान जी हरे, ठीक है। दोस्तों देखिए, गणेश भगवान जो होते हैं विघ्नों के हर्ता माने गए हैं, कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं,
अगर गणेश भगवान की नित्य प्रति पूजा की जाए तो वो विघ्न जो होते हैं आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ये यदि आप 5 बुधवार यदि इस प्रयोग को आप कर लेते हैं तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस थे सारे विघ्नों को गणेश भगवान हर लेंगे। ये रेमेडी आप करके देखिए, पूरे विश्वास के साथ में करिए। आस्था है विश्वास है तो भगवान है, आस्था नहीं है विश्वास नहीं है तो भगवान भी नहीं है। वैसे ही अगर विश्वास रहेगा तो रेमेडीज वर्क करेंगी। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि पॉजिटिव रहकर ही आप सब कुछ अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। अगर आप डाउट क्रिएट करके अगर वो करेंगे तो वैसे एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज वर्क नहीं करेगी। लेकिन 100% आप श्योर होकर के कि हाँ ये वर्क करती है, ठीक है, तो आपको 100% कोई भी उपाय का रिजल्ट मिलेगा। पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को आप करके देखिए, 2 या 3 बुधवार में ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। गणेश मंदिर नहीं है कोई बात नहीं है, घर में गणेश जी की फोटो वगैरह हो वहां स्थापित करके वहां पर भी इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। गणेश मंदिर कोई गणेश जी का मंदिर है तो मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। और इस प्रयोग को दोस्तों आपको सूरज ढलने से पहले यानी कि 12 बजे से पहले इस प्रयोग को आपको करना है, ठीक है। किसी भी बुधवार से स्टार्ट कर सकते हैं, आज से आपको वीडियो मिल रहा है आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि देखिए वीडियो को बनाने में जानकारी ढूंढकर लाने में काफी मेहनत लगती है, छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये भी जरूर लिखा करें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ सब लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ और जितना हो सके दोस्तों जानकारी को आगे शेयर करिए। देखिए आप ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, है ना। अब मेरी जानकारी को अब मेरी दिव्य जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे कहीं ना कहीं इसका लाभ मुझे मिलेगा। आप लोग जितने लोगों को शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे आपको बिना कुछ के उसका लाभ मिलेगा। तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप में अपने भाइयों बहनों में रिश्तेदारों में सभी जगह शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।